अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसो भाई जो ब्लॉग्स पाकिस्तान गुजरांवाला से हूँ, ट्रैवलर हूँ, प्लस ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। वैसे आज हम बात करेंगे, एक भाई ने पूछा है कि विजिट वीजे का खर्चा कितना आता है। तो गाइस, अगर आपने कंपनी बनानी है, ठीक है, 12-13 हज़ार रुपये उसका लगता है। उसमें होती है आपकी कंपनी, NTN में चैम्बर की मेम्बरशिप एंड मेम्बरशिप का कार्ड होता है साथ चैम्बर का, ठीक है। उसके बाद होता है वो आपकी कंपनी बनती है, चैम्बर का कार्ड बनता है, चैम्बर की मेम्बरशिप होती है, NTN बनता है, 2 साल की रिटर्निंग आपको पे करके दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइल तैयार होती है। अब आपने किस बंदे के पास जाना जो 20,000 लेता है, 10 लेता है, 15 लेता है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करता है, वो आपकी मर्जी है। आपने किस ट्रस्टेड बंदे के पास जाना है, किसके पास जाना है, कितने पैसे वो लेता है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद फीस जो अवैसी की थी वो थी 10,300, ठीक है। अब न्यू साल से 2019 से फीस हो गई है 12,600, ठीक है। बस ये प्रोसीजर है। उसके बाद आपको सिर्फ टिकट लेनी है और आपने चले जाना। टिकट भी 60-70 हज़ार रुपये की टिकट है रिटर्न, ठीक है, तुर्किश एयरलाइन की। तो 5 दिन का स्टे होता है, ठीक है। अगर कोई भाई कहता है कि अगर विजिट वीज़ा हम अप्लाई करें, विजिट वीज़ा नहीं लगे, तो उसका रास्ता और क्या है कि हमने तुर्की में जा के वापस नहीं आना। उसका एक और रास्ता है यार, उसका ये रास्ता है कि आप उमरे के लिए जाएं सऊदी अरेबिया, ठीक है। और अगर आप तुर्की के रास्ते से जाते हैं, मतलब तुर्की एयरलाइन से जाते हैं, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है 7-8 दिन का, ठीक है। वो आप वापिस आके, मतलब वापसी पे स्टे रख लें या जाते हुए स्टे रख लें, ये मुझे कन्फर्म नहीं है कि वापसी भी होता है या जाते हुए होता है। मेरे ख्याल से दोनों तरफ हो जाता है कि हमने वापसी पे तुर्की में स्टे रखना है, तो ठीक है, आप जाएं और आप वापस ना आए, ठीक है, अगर आपने यही तरीका अपनाना है, अगर विजिट वीज़ा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद तुर्की का और भी एक रास्ता है जिससे वीज़ा फ्री मिलता है, लेकिन वो है यूरोप का। अगर आपके पास वीज़ा है और आप तुर्की से यूरोप जाते हैं, अब ट्रांजिट वीज़ा आपको 10 दिन की एंट्री फ्री मिलती है तुर्की में रहने के लिए। फ्री आप रह सकते हैं, कोई आपको वीज़ा के चार्जेस नहीं होंगे। 10 दिन आप रहेंगे, फिर आप यूरोप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी छोटी सी आपकी वीडियो, क्योंकि आपका काम है सवाल करना और मेरा काम है जवाब देना। तो गाइस, अब लीगल वे अपनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ आप करें, और इंशाल्लाह 100% आपका विजिट वीज़ा भी लग जाएगा, ठीक है। उम्रे का जो टिकट है, उम्रे का वीज़ा लेने में फिर वो 1.5-2 लाख तक बात पहुँच जाती है, ठीक है। तो 1.5 लाख तो कम अज़ कम ही है ना कि बात पहुँच जाए, ठीक है। और मैं ये भी सुना था कि वो फैमिली को दे देते हैं, ठीक है। अब सिंगल पर्सन जाए उसको भी वीज़ा मिल जाता है। अगर आप उम्रे के लिए जाते हैं और तुर्किश एयरलाइन से जाते हैं, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है 10 दिन का। तो ये होता है कि फिर आप उधर ही रहेंगे, फिर आप उम्रे के लिए नहीं जाएंगे। गए ये जो बैकग्राउंड साउंड होता है ना, नॉइज होती है, इसको प्लीज़ थोड़ा इग्नोर किया करें, क्योंकि मेरा जो रूम है वो बाहर की तरफ है। जो ऊपर वाला रूम है वो अभी डेकोरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा, तो इस वजह से जो जो आवाज़ आती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप ये 2 रास्ते अपना सकते हैं। तो मैं जो आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई है, अगर आप उस पर अमल करते हैं, तो आपको वीज़ा मिल सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। अगर आपकी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, आप टैक्स पेड हो, ठीक है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होती है, 6 मंथ बैंक वो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, पोलियो का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद टैक्स रिटर्न लगानी है, पोलियो का सर्टिफिकेट लगाना है, अपनी जो कंपनी का लेटर हेड होगा ना आपका, ठीक है, तो वो उस पर आपने रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, उसको रिक्वेस्ट लेटर बोलते हैं, ठीक है। जो मैं लिखा था वो मैं बता दूंगा आपको, जो वैसे भी जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो अपलोड की है ना, उसमें वो होगा जो मैंने दिखाया, फर्स्ट लेटर है ना, लेटर हेड है जो, उस पर जो लिखा होगा वो मैं पोस्ट कर दूंगा, आप उसको रीड कर लेना, ठीक है, वैसे लिखना। और लास्ट पे जो नोट होगा ना, उस पर आपने ज़रूर अमल करना है कि मेरा कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है मेरे कंपनी के लिए, मेरा जो आम अकाउंट है मैं वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो पूछते हैं, क्योंकि मैं जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए गया था, एक भाई ने नहीं लिखा था, तो उन्होंने उसको कहा था कि ये तुम लिख के लाओ दोबारा, और हैप्पी फ्राइडे था, वो कह रहा था मैं अब कहाँ जाऊँ, सारे ऑफिस बंद हैं, जो मेरा क्लीक है वो भी नहीं आया होगा, तो मेरी आज की तारीखें पड़ी हुई हैं पेपर्स पे, तो मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने फिर उसे 500 रुपया चार्ज किया,
दोबारा लेटर हेड निकाल के दिया, उसके ऊपर टाइप करके दिया और उसको कहा कि इसके 500 लग लेने हैं, ठीक है। तो आप ये सब कुछ खुद ही करके जाएं ताकि आपको फजूल पैसे ना पे करने पड़ें। मैं करके गया था तो मैंने लिखा भी था कि मेरा कोई पर्सनल अकाउंट मेरी कंपनी का नहीं है, मेरा खुद का ही पर्सनल अकाउंट नहीं है, मेरा और किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। जो मेरा क्लीग था उसके पास जो मैंने बंदे देखे उनके बैंक में 2 लाख रुपया भी था, उनका विजिट वीज़ा लग गया, ठीक है। माशाल्लाह मेरे बैंक में तो 12 लाख है अभी इस टाइम, तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुझे यही है कि मेरा वीज़ा लग गया हुआ, ठीक है। क्योंकि एक इंसान को पता होता है ना कि मेरे मन में है कि मेरा वीज़ा लग गया है, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग चुका हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ये काम भी हो जाएगा। और मैं आपको जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, अभी तो करने को कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीज़े लगवाऊँगा वो आपको ज़रूर आप तक पहुँचाया करूँगा। जैसे मैंने टर्की का आपको दिखाया, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आप यही लगाएं, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। सिर्फ अपनी स्टेटमेंट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करें यार, जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये चीज़, मत इंतज़ार कर लें, सब्र का पल मीठा होता है, ठीक है। और ये थी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जो भाई ने डिमांड की थी कि कितना खर्चा आता है वीज़ा वीज़े पे। भाई इतना कोई खर्चा नहीं आता, जो चोरी रस्ते जानती है ना इनलीगल वे से उससे कम ही खर्चा आता है, ठीक है। अगर आपका मकसद ही है कि हमने टर्की जाना, हमें यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा, तो यह टर्की ही मेन स्टेप है। जो लोग मरते हैं, जो लोग हार जाते हैं ज़िंदगी में कि यार मेरी बस हो गई, वो टर्की तक ही है, ठीक है। आगे भी होगा क्योंकि मैं तो इस रास्ते नहीं गया, लेकिन इतना नहीं होगा जितना मैं सुन चुका हूँ ना, इतना मैंने टर्की तक ही सुना है जो जाने जाती हैं, इतना टर्की तक ही है, उसके आगे तो मैं इतना नहीं सुना कि ये सब कुछ होता होगा, ठीक है। तो अगर आपने जाना ही है यूरोप, आपका नहीं लग रहा, मैं तो ये कहूँगा लीगल वे, इनलीगल वे ना यूज़ करें, लीगल वे पे जाएं, ठीक है। कोशिश करें, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आपने टर्की जाना, विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो जो मैं आपको बताया वही करें, इंशाल्लाह आपका ज़रूर वीज़ा लगेगा। तो मिलते हैं ना एक न्यू कमाल फ्रेश एपिसोड में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई गलती कताई होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो बनाने में कोई गलती कताई होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मेरा साथ दे, इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ किया करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़ गाइस।